इस बार धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को पड़ रहा है। धनतेरस का काफी महत्व होता है। वैसे तो अधिकांश लोग इसे खरीदारी का पर्व ही मानते हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से भी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी और धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें अगर धनतेरस के दिन कर लिया जाए तो हमेशा घर धनधान्य से भरा रहता है और जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन पूजा के बाद रात को केसर या हल्दी से रंगे हुए 21 चावल के साबुत दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों की किल्लत कभी नहीं होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। उनकी दिशा उत्तर मानी गई है, ऐसे में धनतेरस के दिन नकदी या पैसा उत्तर दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। धनतेरस पर अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बाजार से नई झाड़ू खरीद कर लाएं। धनतेरस पर नई झाड़ू घर पर लाना समृद्धिदायक माना जाता है। झाड़ू से साफ सफाई होती है, वहीं माँ को स्वच्छ घर पर निवास करना पसंद है। धनतेरस के दिन घर पर तिजोरी या दुकान की तिजोरी या गल्ले पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाना चाहिए। हालांकि इस दौरान एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोटो में माँ लक्ष्मी कमल पर धनवर्षा की मुद्रा में बैठी हुई हो और दो हाथी सूंड उठाए नजर आ रहे हों। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए। इसकी दिवाली तक पूजा करें, फिर घर या ऑफिस में उत्तर दिशा की तरफ रख दें या दीवार पर लगा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस पर खरीदारी करते समय 11 गोमती चक्र भी ले आएं। घर में लाने के बाद इन पर चंदन लगाकर लक्ष्मी पूजन करें। इसके बाद लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, साथ ही धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस उपाय से आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन धन और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए।